नमस्कार, मैं संतोष चौहान अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में जो पार्ट, इसमें मैं आपको किचन की टिप्स बताने जा रही हूँ। जैसे कि घर में बिस्किट रखे होते हैं और वो सील जाते हैं, या फिर थोड़े ज़्यादा दिनों के हो गए हैं और हम उसे नहीं खा रहे हैं, सीले हुए हैं, तो जैसे आप सभी बिस्कुटों का चूरा करके रख लें और थोड़ा सा बिस्कुट का जो चूरा है वो आप जो ठंडा दूध है उसमें डालकर मिक्सी में अगर चला लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मिल्क शेक तैयार हो जाता है। मिल्क शेक की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह किसी भी फ्लेवर का जैम, जैसे जैम है आपके घर में किसी भी फ्लेवर का, तो उसे ठंडे दूध में डालकर आप मिक्सी में चला लेते हैं तो एक स्वादिष्ट मिल्क शेक तैयार हो जाता है। यदि आपके पास दूध का पाउडर जैसे बच गया है और आप इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फेंके नहीं, ये पाउडर एक टब में गुनगुना पानी करके डाल लें और आधा घंटा अगर आप उसमें पैर डालकर बैठ जाते हैं तो एक आपका अच्छा पेडिक्योर हो जाएगा। पैरों की जो सारी गंदगी है वो भी निकल जाएगी और पैरों की जो स्किन है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। अब जैसे पपीता है, कई बार जैसे पपीता लेते हैं तो फीका आ जाता है या कई बार बहुत ज़्यादा पका हुआ आ जाता है, तो अगर इस तरह का पपीता आ गया है तो उसमें चीनी और इलायची मिलाकर अगर आप घी में भून लेते हैं तो उसको वो स्वादिष्ट एक हलवे की तरह हलवा तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब जैसे फ्रिज है, फ्रिज में अगर मान लीजिए दुर्गंध आ रही है तो उसमें आप अगर एक नींबू काट कर रख देते हैं फ्रिज के अंदर तो वो फ्रिज की दुर्गंध चली जाएगी। हरी सब्जियां अगर जैसे ज़्यादा दिन के लिए रखनी है तो हरी सब्जी को आप अगर अखबार में लपेट कर रखते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक ताज़ा बनी रहती हैं। अब ऐसे ही जैसे अचार है, अचार में फफूंदी लग गई है तो उस फफूंदी वाले भाग को आप अलग कर दीजिए और कुछ देर उसको आप अगर आप आंच पर रखते हैं, कुछ देर गर्म कर लेते हैं तो वो अचार दोबारा खाने लायक हो जाता है। जब भी जैसे आप नींबू निचोड़ते हैं तो उसको अगर थोड़ी देर गर्म पानी में डालकर रख देंगे तो एक तो रस जल्दी निकलेगा और ज़्यादा रस निकलता है। और कई बार हमें जैसे बालों वगैरह में यूज़ करते हैं या किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं तो कई बार हमें केवल अंडे की जो जर्दी है वो ही प्रयोग करनी होती है, तो उसके लिए अंडा फोड़कर आप एक प्लेट में डाल दें, फिर अंडे के ऊपर जो अंडा फोड़ा है आपने प्लेट के ऊपर तो उसमें एक गिलास है वो उल्टा करके रख दें तो उससे क्या होगा, जर्दी और जो सफ़ेदी है वो दोनों ही अलग हो जाएंगी। इसी तरह घर में जैसे आपके ऑयल पेंटिंग है और उन पे मैल जम गई है तो मैल साफ करने के लिए उन पर अगर आप कच्चा आलू काटकर रगड़ते हैं तो ऑयल पेंटिंग आपकी साफ हो जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर।